Welcome back to my channel. It would mean a lot if you press like it and subscribe to my channel. So अभी time हो रहा है 6:30-7:30 का टाइम हो रहा है और मैं छत पे आई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए और बर्ड्स को खाना देने के लिए जो मैंने दे दिया और मैं शूट करना भूल गई क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता मुझे ब्लॉग बनाना है करके. तो आज बहुत अच्छी हवा चल रही है ऊपर और आज का डे एंड वीडियो दोनों मैंने स्टार्ट कर दिए हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं. बर्ड्स को खाना मिल चुका है, अब नीचे जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें आज करनी हैं. तो चलो नीचे चलते हैं. उससे मैं नीचे आ गई थी, नीचे आते ही मुझे नेबर का कॉल आता है कि किसी लैब्रा को कोई छोड़ के चला गया. फिर मैं उसको देखने गई. फिलहाल तो ये बच्चों को मैं अपने घर ले आई थी क्योंकि बाहर इसको स्ट्रीट डॉग थे जो बहुत बुरी तरह बाइट कर रहे थे, इसलिए मैं उसको घर ले आई थी. और घर आते मैंने उसको पानी दिया, पानी के साथ इतने अच्छे से प्ले कर रहा था. देखिए आप, पता नहीं क्यों लोग पालते हैं फिर उनको नहीं संभाला जाता तो छोड़ देते हैं. आपको नहीं रखा जाता, आपको पहले पता है, तो आप मत करो ना यार. इतने अच्छे से कमांड फॉलो कर रहा था, मम्मी ने टेडी दिया, टेडी के साथ प्ले कर रहा है, मम्मी के साथ बात कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है, खाना भूख लगे तो खाना भी मांग ले रहा है. और अगर उसको सुसू पट्टी आए थे तो सुसू पट्टी के लिए बता भी आता खुद ही. मतलब नहीं हो रहा आपसे तो मत करो यार, ऐसे छोड़ो तो मत ना बच्चों को ऐसे रोड पे मरने के लिए. बेटा है यहाँ, मेरा अच्छा बाबू है, बेटा है यहाँ, हाँ प्यारा बेटा है, अच्छा अच्छा है बेटा. हाँ इससे खेल लो, इससे खेल लो, ये बच्चा थोड़ा सा काम डाउन और रिलैक्स हो गया. तो अब मैं भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी. ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनाते हैं. तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये है चाय, ये है सूजी के चीले. तो मैं ये आज खाने वाली हूँ और मैं खाकर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करते ही उस बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहा था. देन मेरे घर का हाल देख लो आप, कितनी बुरी तरीके से गंदम मचा हुआ है. मतलब हालत बुरी है. ये हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर है, मेरे रूम के सामने वाली बालकनी चेंज हो रही है. थोड़ा सा प्ले किया है इस दोनों के साथ में, दोनों से प्ले करा काम दिखा दिखा के. खेलते खेलते कब 2 बज गए पता ही नहीं चला. बच्चों के खाने का टाइम हो गया था तो फिर वो मार्केट गए क्योंकि इनका सेरेलेक खत्म हो गया था. सेरेलेक लेके आई और घर आते ही मुझे मैंने बताया कि कोई डॉग कहीं रो रहा है. इतना ढूंढा ढूंढने के बाद ये डॉग देखो कहाँ मिला है मुझे. हाँ तो आओ, कैसे गिर गए हो आप? मैं बेटी कैसे गिर गई नीचे नाले में, कैसे गिर जाते हो तुम लोग? हाय मेरी राजकुमारी नीचे गिर गई, अभी दीदी निकाल लेगी. ये गिर गया नाले में, पता नहीं कहाँ से ये मेरे घर के आगे आ गया. देखना मैं कहीं नहीं जाती कुत्ता ढूंढने, ये मेरे घर के आगे खुद आते हैं हेल्प के लिए. अभी इतना बड़ा ये नाला है, ठीक है, इधर भी ये नाला है और ये पता नहीं कब से गिरा हुआ है बेचारा इसके अंदर. अभी ये मेरे घर के आगे आया तो मुझे पता चला है. मैं सोच रही कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से मैं सोच रही कि मैं कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है. भाई साहब यहाँ आए. हाँ बेटा अभी निकाल रही हूँ, अभी निकाल रही आओ आओ. बहुत देर ट्राई करने के बाद वो डॉग नीचे ही नहीं आता है. मुझे लग रहा था कि मैं रस्सी डाल के उसको ऊपर खींच लूंगी बट वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो वो नीचे ही नहीं आ रहा था. फीमेल डॉग था, इसका नाम हमने बुरी रखा है. तो मैंने अपने जो हमारे घर में लेबर काम करती है उनकी हेल्प और हमारे घर के साइड में मतलब वो है वाटर टैंक जो होता है वो है वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनमें से 2 लोग आए, उन्होंने मेरी हेल्प की इसको निकालने में. ऑल दो वो नीचे तो नहीं गए क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा था कि ये बाइट ना कर दे. उन्होंने ये स्टेयर वाला लकड़ी वाला जीना होता है ये उठाया और मतलब इसको पकड़ा क्योंकि ये ना दलदल जैसा है इसमें नाले में, ये नीचे नीचे जा रहा था तो उन्होंने पकड़ा हुआ था स्टेयर को ताकि वो नीचे ना जाए. मैं नीचे गई हूँ, बच्चे को उठाया है, ऊपर आई हूँ और इसको बाहर निकाला है. अभी ये मेरे घर के बाहर ही बैठा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डर गया और कहीं नहीं जा रहा है. तो अभी फ़िलहाल ही मेरे घर के बाहर बैठा है और इसकी एक्टिविटी से देखने से लग रहा है कि ये घर का डॉग हुआ और नहीं उसे हुआ इसका सेवा तो उन्होंने इसको नाले में फेंक दिया ताकि ये दोबारा घर ना जा पाए. इसका घर बना दिया पीछे, ये वहीं बैठा हुआ है पूरा दिन हो गया आज, ये वहीं बैठा हुआ है. छोटे बच्चे होती है छोटे छोटे बच्चे
ये मेरी मम्मी कुत्तों बाहर के कुत्ते हैं, इनको ऐसा प्यार कर दिया और ये फिर जाएंगे ना, फिर मेरे को बोलती तेरे कुत्ते एक ये देखो, ये देखो एक ये रहा, ये हमारे घर का पता नहीं क्या ही है, ये पूरा डिनर होता है, ये बातें चल रही है देखो जरा, एक महीने के हुए नहीं ये बातें देखो इनकी जरा, बच्चों के साथ खेलते खेलते दिन कहाँ निकल जाता है समझ ही नहीं आता है, रात जाती है, अभी रात के 7 बज गए थे, आज मिस्त्री लोग जल्दी चले गए थे, उनको कहीं और जाना था, 4 बजे निकल गए थे वो लोग, उसके बाद हमने सफाई वगैरह करी, बच्चों के साथ प्ले कराए और अब हम खाना बना रहे थे रात का, तो आज रोटी दाल चक्की बनाई थी खाने में, बच्चों के लिए चावल और आलू की सब्जी बनाई थी खाने में। यहाँ सो रहा है इस वाले, ये रूम का गेट ना मारे, इसमें एसी चल रहा है, तो ये चिल्ला रहा है कि मेरे को अंदर जान दो एसी में, हमको एसी में सोना है, देख रहो धरती से उच्च के नहीं है अभी, ये देखो यहाँ पे ये एसी चलाया हमने और ये यहाँ बैठा है, इसकी मम्मी भी और ये भी है, सी और रो रहा है प्रॉपर कि मुझे अंदर ले लो, मेरे पास क्यों आ रहे भाई। ये है मेरे वॉक पार्टनर्स जो मेरे साथ वॉक करते हैं, आज तो खैर नहीं गई मैं वॉक करने क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अदरवाइज ये सारे जाते हैं मेरे तक, जहाँ तक मैं जाऊँगी वहाँ तक ये वॉक करेंगे जाके, यार एक हो रहा वो पानी पी रहा, एक ये रही एक ये रहा, एक ये मेरा बुज्जी मेरा पहला प्यार, वो देखो वो पता नहीं कहाँ नाचने जा रहा है, वो देखो ये अभी लड़ाई करने की पोजीशन में है क्योंकि ये बाहर का कुत्ता आ चुका है हमारी गली में सुसु करने, इसलिए 2-3 अभी गायब हैं क्योंकि वो खाए होंगे कुछ खाने गए होंगे, ये हमारा कोरोना बेबी है, ये हमारा कोरोना बेबी है, कोरोना बेबी का डिनर चल रहा है, जब मैंने दिया तब खाया नहीं है, अब इनको पता चल गया कि रात के 11:30 हो चुके हैं, सारे घरों की लाइट्स बंद हो चुकी हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये अब खाना खाने लगे और ये आ गया है इससे लड़ाई करने, क्या बात है ज़्यादा अपने आपको हीरो बनेगा ना, चट्टा मारूंगा ना यहाँ से उड़ के जाएगा यहाँ से, बगले बगले जा बगले, हाँ बिल्कुल चल तुम खा लो। इसको खाना खाने में दिक्कत होती है क्योंकि इसका जबड़ा ऊपर वाले जबड़े के एक साइड के राइट साइड के ना सारे दांत टूटे हुए हैं, तो इसका भी मैंने बहुत दिन इलाज करा, मतलब दवाई वगैरह कराई, इंजेक्शन लगवाए, तब जाके ठीक हुआ है, ऊपर वाले जो दांत होते ना, तो इस तरफ दांत होते ना लोगों के वो है ही नहीं, मतलब इधर इस साइड जो जिसको दाढ़ बोलते हैं वो वाला एक भी दांत नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे वो हुआ है इसके, मतलब ये पूरा पक गया था, इसमें मैग्नेट्स हो गए थे, तो फिर हमने इसकी दवाई कराई, मेडिसिन दी, फिर दांतों को निकाला, दो दांत एक दूसरे के अंदर घुस गए थे, ये बहुत धीरे धीरे खाना खाता है, एक घंटे में खा पाएगा ये खाना, ऐसे खड़ा रहेगा चबाता रहेगा, चलो मैं जा रही हूँ अंदर, अब रात हो गई है, मैं अंदर आ गई हूँ और अब मैं लगी थी सोने, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग भी एंड कर देती हूँ और आप लोगों को बाय भी बोल देती हूँ, आज जो भी किया वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आए हो, यही रूटीन होता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, और आजकल कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा ऐसे ना बिजी वाला डे हो जा रहा है और अडॉप्शन का भी टेंशन हो जा रहा है, अभी वो 4 बच्चे जो छोटे के थे उनका अडॉप्शन कराना था, देन उसके बाद में जो 2 बच्चे भी आए हैं उनका भी इन्हें अडॉप्शन के लिए लगा दिया है, आई होप कि उन लोगों को भी फैमिली मिल जाए, जो लेब्रा डॉग था जो ब्रीड वाला डॉग था उसको फैमिली मिल गया है क्योंकि लोगों को सिर्फ ब्रीड वाला चाहिए, चाहे वो उसकी केयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट उन लोगों को सभी को ब्रीड वाले डॉग्स ही चाहिए होते हैं, पता नहीं क्यों इंडियन ब्रीड क्यों नहीं लेते हैं, तो जो नाले से मैंने बच्चा निकाला था वो अभी भी बाहर है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि आई गेस उसका फैमिली ने उसको ड्रॉप किया है कहीं पे या नाले में थ्रो किया है, जो भी था हमें
तो नहीं पता, बट मैंने उसको निकाल दिया, खाना पीना भी हो गया उसका और बाकी सब ठीक है। जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एंड छोटी का एक बच्चा भी अडॉप्ट हो गया, उसको कल मॉर्निंग में कोई लेने आने वाला है, तो वो लेकर चले जाएंगे कल। और फिर बचेंगे हमारे पास सिर्फ दो बच्चे, तो उनको अडॉप्शन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको भी कोई फैमिली मिल जाए। अगर आप लोगों में से कोई चाहता है उन बच्चों को अडॉप्ट करना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना कि आप लोगों को ऐसा कुछ है कि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं, पवेलियन इंडियन ब्रीड, दो मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं। जो छोटी के बच्चे, छोटी इंडियन ब्रीड है जो स्वीट डॉग होते हैं वो है, और छोटी की जिसके साथ मीटिंग हुई थी वो थे पवेलियन। तो ये मिक्स ब्रीड के बच्चे हैं। अगर प्लीज़ अगर आप लोगों में कोई इंटरेस्टेड है और चाहता है तो आप लोग ले सकते हैं, एक बच्चे को लाइफ मिल जाएगी। और बस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, और मेरे हाथ में दर्द हो गया फ़ोन पकड़ के। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, रीति रिवाज कंप्लीट कर देना जो भी होते हैं यूट्यूब के, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने वाले। और यहाँ तक अगर वीडियो में आ गए हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, वो बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है फॉर मी कि हाँ कुछ लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो थैंक यू सो मच जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।